बाप पुलिस थाने में बुधवार को नए थानाधिकारी दीप सिंह ने थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। थानाधिकारी दीप सिंह पीपार शहर से स्थानांतरित होकर बाप आए हैं। उप निरीक्षक दीप सिंह का बाप में बुधवार से दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। इससे पहले 1 अक्टूबर 2019 से 20 फरवरी 2020 तक वे बाप थानाधिकारी रह चुके हैं। थानाधिकारी सिंह ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। पदभार ग्रहण करने थाना क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट रतन सिंह भाटी, डिस्कॉम कनिष्ठ अभियंता महीराम राजा जाशी, भाजपा युवा नेता मांगीलाल पालीवाल, अरुण लोहिया, उप सरपंच गापाल भट्टर सहित कई ग्रामीणों ने थानाधिकारी भाटी का माल्यार्ण व बुके देकर अभिनंदन कर स्वागत किया। श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को फलोदी मंडल के विभिन्न गांवों में तैयारी बैठकें आयोजित हुई। संघ के फलोदी मंडल प्रमुख भानु सिंह टेकू ने बताया कि श्री क्षत्रिय संघ पिछले 75 वर्षों से अनवरत युवाओं में संस्कार निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण, इतिहास की जानकारी जैसे महत्वपूर्ण दुरूह कार्यों को करने में आजादी के पहले से जुटा है। इस यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में श्री भवानी निकेतन प्रांगण में 22 दिसंबर 2021 को भव्य आयोजन होने जा रहा है। संघ के फलोदी मंडल प्रमुख भानु सिंह टेकू ने बताया कि बैंकटी, सेहरा, टेकू, टेकरा धुलिया, बारू, खेतुसर, शेख हासा, अखादन तथा जयमला आदि गांवों में प्रांत प्रमुख भवानी सिंह पीलवा, चंद्रवीर सिंह भालू, हर सिंह ढिलाना, जितेंद्र सिंह खेतुसर आदि ने उप गांवों का दौरा कर क्षत्रिय समाज बंधुओं को जयपुर चलने का न्योता व जिम्मेदारी दी।